यूपी के हाथरस में जो हादसा हुआ है, जिसमें जो बाबा हुआ करते थे, वह भी दौसा में पहुंचते थे और महीने में कई बार दौसा में दरबार लगाते थे, उसी में आज कई मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि यहां दौसा में जहां दरबार लगा करता था, जहां महिलाओं के दस्तावेज भी मिले हैं, जहां पर बाबा का लग्जरी झूला, लग्जरी बेड, लग्जरी कमरा भी मिला है और कमरे में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हुआ करती थी, जिसे लेकर भी आज वीडियो सामने आए हैं जिनमें महिलाओं के दस्तावेज मिले हैं। यहाँ पूरा रोड जाम हो जाता था, इतने सारे लोग आते थे और इनके सेवादार रहते थे और ये सारा। आप लोग भी अंदर जाने की अनुमति थी आप लोगों को? नहीं, हम तो कभी गए ही नहीं। नहीं, मतलब आम आदमी जा सकता था क्या? आम आदमी नहीं जा सकता ना, महाराज को कभी किसी ने देखा यहाँ नहीं? देखा दिन में आते थे? आम आदमी को परमिशन ही नहीं थी। सत्संग दिन में होता था या रात में? सत्संग तो यही इनका टाइम रहता था, कभी भी होता था, लेकिन पता नहीं लगता था कि कब क्या हो रहा है। कितनी भीड़ हो जाती थी? भीड़ तो पूरे रोड जाम हो जाता था। एक मकान के बाबा जी का था, किसी और का था किराए पे? अब ये सुनने में आया किसी और का था। क्या बाबा जी का भी पेपर लीक से मामला जुड़ा हुआ है? पेपर लीक में तो पता नहीं इनका है या बाबा जी का है, मकान मालिक का है या बाबा जी का है, लेकिन यहाँ बहुत भीड़ रहती थी। नहीं सर, ये बताइए, जब बाबा जी आते थे तो सिक्योरिटी कितनी टाइट रहती थी? सिक्योरिटी तो पुलिस की तो बिल्कुल ही नहीं रहती थी, अपने राजस्थान पुलिस की तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी। पर्सनल सुरक्षा में यहाँ इधर उधर 10-5 गार्ड खड़े रहते थे, बाकी कोई सुविधा नहीं। तो आम आदमी वाले नहीं देते ना? ऐसा भी सुनने में कि आम जो यहाँ के कॉलोनी वाले उनका आधार कार्ड लेके एंट्री चेक करके एंट्री दी जाती थी जब बाबा जी रहते थे? ना, वो तो पहले परमिशन लो, पहले वो आधार कार्ड दो या कुछ भी, किससे मिलना है, क्या करना है। क्या करते थे वो लोग यहाँ पे? बस ये कहते थे भगवान यही है, हम तो ये से पूछते थे तो यही कहते थे कि हमारे भगवान यही है, जो बोले बाबा जी। हाँ, जो बाबा जी थे। अच्छा, जब ये सूचना मिली कि भाई हाथरस में काम कांड हुआ है, जी हो गई, ये बाबा भी यहाँ आते थे, तो क्या कुछ चल रहा था दिमाग में आप लोगों के जब सुना आपने समाज? हमने कल ये सुनने में ये आया तो फिर बहुत दुख हुआ, पीड़ितों को इस प्रकार से ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, और शायद ठीक रहा कि वो वहाँ हो गई, नहीं तो यहाँ भी हो जाती ऐसी घटना। अगर वो यहाँ चलता रहता इस प्रकार का तो घटना यहाँ भी हो सकती थी। नाम बताइए। महाराज सिंह सर।